हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है और दोस्तों आप अपने कैमरे से फोटो सेल्फी नहीं खींच पा रहे हैं, ना ही दोस्तों वीडियो कैप्चर कर पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपका कैमरा ऐसे लिख रहा है, एरर लिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों कैमरे के अंदर, आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों ऐसी दो सेटिंग बताने वाला हूं जिसे दोस्तों ऑन करने से आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना दोस्तों चुटकियों में दूर हो जाएगी। बट दोस्तों ये दो सेटिंग जानने के लिए आपको बिना स्किप के बिना भागाए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से आपको इस सेटिंग को समझना होगा। और दोस्तों चाहे आपका मोबाइल फोन किसी भी कंपनी का हो दोस्तों, चुटकियों में सिर्फ दो सेटिंग करोगे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको दो सेटिंग क्या क्या करनी है सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान से समझना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर क्या काम करना है दोस्तों, सेटिंग को ओपन करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों यहां पे सेटिंग को ओपन करना है। आपका मोबाइल फोन ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, इन्फिनिक्स दोस्तों चाहे किसी भी कंपनी का हो, हर एक फोन के अंदर दोस्तों सेटिंग होता है और दोस्तों हर एक फोन के अंदर आपको ये सेटिंग मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको दोस्तों यहां आपको अपने फोन के अंदर ढूंढने हैं कि बिल्ड नंबर कहां है। जैसे कि दोस्तों मान लो मेरे फोन के अंदर यहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल रहा है, बट दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन ये ऐसे ऑन नहीं होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे सर्च बार में क्या काम करना है, सेटिंग के सर्च बार में आपको यहां पे लिखना है BUILD। आपको यहां पे बिल्ड लिखोगे ना और स्पेस देके नंबर लिखोगे तो दोस्तों आपके सामने ये बिल्ड नंबर आ जाएगा। देख सकते हो कि दोस्तों यहां पे बिल्ड नंबर आ गया। अब दोस्तों यहां पे आपको 7 बार दबाने हैं यहां पे इस तरह से, और दोस्तों 7 बार दबाने के बाद आपके फोन के अंदर दोस्तों डेवलपर मोड ऑन हो जाता है, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब दोस्तों आपके फोन के अंदर ढूंढने हैं, सिस्टम के अंदर हो सकता है या फिर दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन है, बट दोस्तों जिनके फोन में ढूंढने में प्रॉब्लम हो वो यहां पे क्या काम करेंगे कि डेवलपर इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से मैंने जैसे लिखा है डेवलपर लिख देंगे तो दोस्तों उनके फोन में डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से एक सेटिंग को ऑन करनी है जो कि आपको देखना है ध्यान से और भगाना मत, स्किप मत करना, नहीं तो आपका कैमरा कभी ओपन ही नहीं होएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे स्लोली स्लोली नीचे आने हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों स्लोली स्लोली नीचे आने हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा, क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। दोस्तों आपको यहाँ पे इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो कि एक सेटिंग ऑन है जिस वजह से दोस्तों मेरा कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है। यहां पे दोस्तों एक सेंसर जो होता है ना वो ऑन हो गया है, तो दोस्तों यहां से ये जब सेंसर ऑन होगा तो दोस्तों यहां पे भी एक सेटिंग यहां पे ऑन हो जाता है, देख सकते हो दोस्तों, इसकी वजह से कैमरा आपका ओपन नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे बंद कर देंगे, बंद करने के बाद देख सकते हो कि यहां से वो सेटिंग गायब हो चुका है। अब दोस्तों यहां पे अब ये पहला सेटिंग हो गया, अब 2 नंबर का सेटिंग आपको यहां पे करना है। जो दोस्तों आपका कैमरा का आइकन है ना यहां पे आपको ध्यान से देखना है, आपको फिर से सेटिंग में आने हैं और दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर ऐप मैनेजमेंट, ऐप इन्फो, ऐप मैनेजर इस नाम से दोस्तों होता है, हर फोन में अलग अलग नेम से होता है, आपको ओपन करना है। मेरे में ऐप मैनेजमेंट है। ऐप सेटिंग के अंदर आने हैं दोस्तों, या ऐप लिस्ट होगा आपके फोन के अंदर, और दोस्तों आपको यहाँ पे कैमरा ढूंढना है। दोस्तों यहाँ पे मेरे फोन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि कैमरा है, दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 2 नंबर पे परमिशन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से अपने कैमरे को दोस्तों यहाँ से क्या काम करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके दोस्तों यहां से परमिशन अलाउ कर देने हैं, यदि आपका परमिशन अलाउ नहीं होगा तो यहां पे सब पे क्लिक करके दोस्तों आपको यहां पे स्टोरेज का भी परमिशन अलाउ कर देना है। लोकेशन का भी दोस्तों यहां पे आप चाहो तो परमिशन ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां से दोस्तों आपके फोन के अंदर ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे परमिशन यदि ऑफ होगा तो सबको यहाँ पे अलाउ कर लेना है, तीनों कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों आप हो सके तो यहाँ पे जो क्लियर कैचे है ना, यहाँ पे क्लियर एक बार कैचे के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, ध्यान से देख लो क्लियर कैचे। इतना होने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा जो है ना, यहाँ पे जो कैमरा देख पा रहे हो दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोस्तों यहाँ पे ये इजीली यहाँ पे अभी कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, बट दोस्तों मैं जैसे ही सब बैकग्राउंड से यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे दोस्तों कैमरा जो मेरा है ना कुछ सेकंड में दोस्तों ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी भी मेरा कैमरा ओपन नहीं हो रहा था, तो दोस्तों आपको क्या काम करना है कि एक बार आपको दोस्तों अपने फोन को ऐसे रीस्टार्ट कर लेना है। ये जो पावर बटन होता है ना दोस्तों,
यहाँ से जो रीस्टार्ट कर लोगे, और दोस्तों रीस्टार्ट करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों ये जो कैमरा ना ओपन होने की जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से कैमरे को ओपन कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा कैमरा है ना इजिली यहाँ पे ओपन हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया ठीक ऐसे दोस्तों यदि सेटिंग कर लोगे, जैसे मैंने बताया यदि उस सेटिंग से आपका कैमरा ओपन हो जाता है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, अपने फैमिली परिवार में दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेड कलर का बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों न्यू कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।